बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने प्रलय मचा दी है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बिहार के बेतिया में योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र के जरलपुर खुटवनिया पंचायत की हैं। इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे लोगों के घर पानी में डूब गए हैं, कैसे पूरे गांव में समंदर भर आया है। लोग इसी पानी के बीच में किसी तरह जिंदगी बचाने का जतन कर रहे हैं। कमर तक भर गए पानी ने लोगों को यहां तबाह कर दिया है। बर्बादी का मंजर ऐसा है कि रूह कांप जाए। देखिए, यहां एक कार भी इसी पानी में बह गई थी, जिसे ट्रैक्टर के जरिए बाहर निकाला गया। बिहार के सहरसा में बाढ़ की ये तस्वीरें दहशत में डाल देने वाली हैं। तस्वीरों में देखिए कि कैसे इतने भयानक जल बहाव के बीच लोग रस्सी के सहारे अपने आशियाने तक जाने के लिए मजबूर हैं। यहां गंडक नदी ने जमकर कहर बरपाया है। सुगौली के आसपास के इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। रास्ते बंद हैं और लोग कमर तक पानी में यूं ही जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। लोगों की नाराजगी इस बात पर है कि इनकी सुध लेने के लिए न तो शासन न प्रशासन कोई इनका हाल जानने के लिए नहीं आया। बिहार के नालंदा में भी बाढ़ ने दस्तक दी है। लगातार हो रही बारिश ने पंचाने नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार करा दिया है। आलम यह है कि सलेमपुर इलाके में 50 से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी घुस आया है। लोगों की गृहस्थी पानी में डूबने लगी है। बाढ़ ने यहां रहने वालों पर भयानक कहर बरपाया है। करीब 350 बीघे में फैली भिंडी, बैगन और बोरा की फसलें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। हबीबपुर और जलालपुर मोहल्ले भी पानी में पूरी तरह से लबालब हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। तस्वीरें देखिए, बिजनौर के मंडावर और चांदपुर इलाके में बाढ़ ने प्रलय मचा दी है। यहां बाढ़ ने सैकड़ों बीघे में खड़ी गन्ने की फसल को तबाह कर दिया है। आलम यह है कि पानी की वजह से पशुओं के चारे का संकट पैदा हो गया है। वहीं पिछले 3 दिन में SDRF और सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ से 95 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई हुई है। यहां आरामबाग इलाके में चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। गंधेश्वरी और द्वारकेश्वर नदियों ने यहां आसपास के इलाके को जलमग्न कर दिया है। दर्जनों गांव पानी की भेंट चढ़ चुके हैं। पानी ने करोड़ों की संपत्ति को तहस नहस कर दिया है। हालात इतने बुरे हैं कि कमर तक पानी में लोग तैर कर अपने घर तक पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के बातचीत के न्योते पर चर्चा के लिए आज गुपकार गठबंधन बैठक करेगा। बैठक के बाद पीडीपी नेताओं के पीएम मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में शामिल होने को लेकर फैसला हो सकता है। रविवार को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें कुछ नेता बैठक के जाने के पक्ष में थे जबकि कुछ इसके खिलाफ। खबर ये भी आई थी कि महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को गुपकार की ओर से बैठक के लिए संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत कर सकती हैं। आज तक से बातचीत में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम की बैठक के लिए उन्हें केंद्र सरकार से अभी न्योता नहीं मिला है। वो कश्मीर से बाहर थे। गुपकार की बैठक के बाद न्योते पर कोई बयान देंगे। वहीं सीपीएम नेता यूसुफ तारिगामी ने केंद्रीय गृह सचिव का फोन आने की बात की। कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक पर आज कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली बैठक की अध्यक्षता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह करेंगे। इस बैठक में गुलाम नबी आजाद, कर्ण सिंह, पी चिदंबरम के साथ साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम मीर भी शामिल होंगे। पंजाब में कांग्रेस का कलह थमी नहीं रहा। आपसी झगड़े को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कुछ कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। 3 सदस्यों की कमेटी ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन अब तक पंजाब के मसले पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनका आरोप है कि कैप्टन का कांग्रेस के कई नेताओं और विधायकों के खिलाफ बेरुखी वाला रवैया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली आ रहे हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार से पहले वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। वहीं जेडीयू नेता लल्लन सिंह ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार आंख के इलाज के लिए दिल्ली आ रहे हैं। NCP प्रमुख शरद पवार ने आज दिल्ली में विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे शरद पवार के आवास पर होने वाली इस बैठक के लिए यशवंत सिन्हा, संजय सिंह, पवन वर्मा, डी राजा, जयंत चौधरी समेत कई नेताओं को न्योता भेजा गया है। साथ ही इस बैठक में कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी।
माना जा रहा है कि इस बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बैठक में साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। चर्चा ये भी है कि इस बैठक में एनडीए का विकल्प तैयार करने के लिए गैर कांग्रेसी विपक्ष पर भी विचार संभव है। आम आदमी पार्टी के नेता शामिल होंगे, आरजेडी के नेता शामिल होंगे, तृणमूल के नेता शामिल होंगे, हमारे नेता शामिल रहेंगे और ये बैठक में आगामी जो लोकसभा का अधिवेशन होगा उसके मुद्दों पे चर्चा होगी, देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पे चर्चा होगी और सभी दलों को एकजुट करने के लिए किस दिशा में काम किया जाए उसकी प्राथमिक चर्चा होगी और धीरे धीरे सभी दलों को एकजुट करने का काम आगे बढ़ेगा। जिस तरह से पवार साहब ने कहा था कि हम विपक्ष की एकता और उन्हें एकजुट करने के लिए काम करेंगे, उसी दिशा में कल से बैठक की शुरुआत हो रही है। विपक्ष के नेताओं के साथ शरद पवार की बैठक से पहले प्रशांत किशोर एक बार फिर उनसे मिलने पहुंचे। दोनों की मुलाकात करीब 3 घंटे चली। एक हफ्ते में शरद पवार से ये प्रशांत किशोर की दूसरी मुलाकात रही। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के चुनावी सलाहकार थे। ऐसे में शरद पवार की लगातार उनकी मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। यूपी में धर्मांतरण कराने की साजिश के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर कानून के बावजूद ऐसी घटनाएं हुई जिससे साफ है कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन फेल है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर धर्मांतरण के नाम पर लोगों को उलझाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने गिरफ्तारी को संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया। यूपी एटीएस ने मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर को धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एटीएस का दावा है कि ये दोनों धर्मांतरण के बड़े गिरोह से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून तो पहले से ही मौजूद है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है। चाहे महिला पर अत्याचार हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे कफन चोर हो, जनता की समस्या का तो समाधान पुलिस नहीं कर पा रही है, लेकिन हर घटना का राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात हो गई है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष और यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहे। इससे पहले बीएल संतोष 31 मई को यूपी के दौरे पर आए थे और मंत्रियों विधायकों से बातचीत कर आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी थी। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 2 जिलों के 14 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। सिंधिया की सुरक्षा में चूक रविवार को उस समय हुई जब वो दिल्ली से ग्वालियर आ रहे थे। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा से सिंधिया के वाहन को एस्कॉर्ट करना था और उसके बाद ये काम ग्वालियर पुलिस को करना था, लेकिन मुरैना पुलिस ने सिंधिया की गाड़ी की तरह दिखने वाली दूसरी गाड़ी को एस्कॉर्ट दिया, जबकि सिंधिया बगैर एस्कॉर्ट के आगे बढ़ गए। दिसंबर तक सभी को वैक्सीन देने के महाअभियान की जबरदस्त शुरुआत हुई है। देश में मुफ्त वैक्सीनेशन का आज दूसरा दिन है। पहले दिन ही टीकाकरण का रिकॉर्ड बन गया। कल एक दिन में 84 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण का रिकॉर्ड बनने पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताते हुए वेल डन इंडिया कहा। यूपी के गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में पुलिस ने फिर ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी को नोटिस भेजा है। यूपी पुलिस ने ट्विटर के एमडी को 24 जून की सुबह 10:30 बजे लोनी बॉर्डर थाने में अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि अगर वो इस नोटिस को नजरअंदाज करते हैं तो माना जाएगा कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे। इसके साथ ही यूपी पुलिस ने ट्विटर के रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर धर्मेंद्र चतुर को भी नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद हुई हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर इस कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी मानवाधिकार आयोग को अब तक मिली शिकायतों की जांच करेगी, साथ ही उन अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की भी पहचान करेगी जो ऐसे अपराधों के लिए दोषी थे या जिन्होंने इन पर चुप्पी साधे रखी। अमरनाथ यात्रा के लिए अब श्रद्धालुओं को अगले साल का इंतजार करना होगा। कोरोना संकट को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने
इस बार भी अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कोरोना को देखते हुए इस साल अमरनाथ यात्रा रद्द करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा अमरनाथ यात्रा प्रतीकात्मक होगी और सभी रस्में पहले की तरह पूरी की जाएंगी। हालांकि अमरनाथ यात्रा रद्द होने के बावजूद श्रद्धालु 28 जून से ऑनलाइन बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ बाबा बर्फानी की आरती का भी प्रसारण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक करके 8 लोग इस पेड़ से चिपकते हैं और लोग इन पर डंडा बरसा रहे हैं। पिटाई की ये अमानवीय तस्वीरें डिंडो चौकी क्षेत्र के गांव चेरा की हैं। आरोपों के मुताबिक जिन्हें पीटा जा रहा है ये पंडो जनजाति के लोग हैं। आरोप है कि इन्होंने तालाब से मछलियां चुराई थीं, जिसके बाद प्रधानपति ने पंचायत बिठाई और इन्हें पेड़ से बांधकर पीटने की सजा सुनाई, जिसके बाद इन्हें जमकर पीटा गया। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस की माने तो वायरल वीडियो की जाँच की जा रही है, मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के मंडला से हैरान करने वाली सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये बाइक सवार इस टॉपर से टकराते हैं और टकराकर सड़क पर गिरते हैं। जैसे ही ये सड़क पर गिरते हैं इनके ऊपर से ये कंटेनर गुजर जाता है। हादसा बेहद भयानक हुआ, मगर शुक्र था कि कंटेनर हादसे में दोनों युवकों की जान बच गई। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं और इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में एक पति ने अपनी पत्नी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। मामला इकोटेक थाना क्षेत्र के हल्द्वानी गांव का है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले पति पत्नी दोनों पहले ही अपने बच्चों के साथ नोएडा आए थे। यहां पति पत्नी के बीच किसी मामूली विवाद में कहासुनी हुई और मामला इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने संसद में विश्वास मत खो दिया है। स्टीफन स्वीडन सरकार के पहले नेता हो गए हैं जिन्हें इस तरह के प्रस्ताव पर हार का सामना करना पड़ा है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टीफन लोफवेन 2014 से प्रधानमंत्री थे। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से न तो मिलेंगे और न ही अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह की बातचीत करेंगे। साथ ही कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सभी दमनकारी प्रतिबंध हटाने के लिए बाध्य है। आर्मेनिया के संसदीय चुनाव में कार्यवाहक प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन की पार्टी ने जीत हासिल की। उनकी पार्टी को 53.9% वोट मिले, जबकि उनके विरोधी पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट कोचरियन की पार्टी सिर्फ 21% वोट पा सकी। अजरबैजान से जंग में नारगोनो काराबाग का हिस्सा गंवाने के चलते जनता में नाराजगी थी, फिर भी पाशिनियन चुनाव जीतने में सफल रहे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करेंगे। नेशनल पार्टी के नेता बर्नाबी जॉयस को ऑस्ट्रेलिया का नया डिप्टी पीएम चुना गया है। बर्नाबी जॉयस पिछली सरकार में भी उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बेलारूस के 86 अधिकारियों और कंपनियों को यूरोपीय संघ ब्लैकलिस्ट करेगा। पिछले महीने पत्रकार की गिरफ्तारी और यात्री विमान को जबरन बेलारूस में उतारे जाने की घटना के बाद ईयू ने यह कदम उठाया है। इससे पहले यूरोपीय संघ बेलारूस के विमानों पर पाबंदी लगा चुका है। अमेरिका के अलबामा में क्लाउडेड तूफान के कारण आपस में कई वाहन टकरा गए। हादसे में 8 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तूफान के साथ आई बाढ़ से दर्जनों घर तबाह हो गए हैं। अमेरिका के कई इलाकों में तूफान और बारिश से भारी तबाही मची है। जापान के आयोजकों ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के दौरान सभी स्थलों पर दर्शकों की सीमा तय की। कहा कि स्टेडियम के क्षमता के हिसाब से 50% लोगों को स्थल पर पहुंचने की अनुमति होगी। हालांकि किसी भी स्थल पर 10,000 से अधिक दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दुनिया में कोरोना के मामले 17,93,00,000 के पार हो गए हैं। अब तक 38,83,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से जान चली गई है। 16,38,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर ठीक हुए हैं।
कोरोना मामलों की संख्या में गिरावट के बाद पाकिस्तान के कराची शहर में सोमवार से स्कूलों को एक बार फिर से खोल दिया गया है। छात्रों को स्कूल में एंट्री के लिए सख्त गाइडलाइंस भी बनाई गई है। छात्रों को क्लास में आने से पहले हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 907 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 30 लोगों की मौत हुई। कतर के प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन खलीफा ने कहा कि कतर में अगले साल होने वाले फीफा विश्व कप में सिर्फ टीकाकरण कराने वाले लोगों को ही एंट्री मिलेगी। साथ ही कहा कि कतर अभी भी एक सफल आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि कतर में 2022 में होने वाले फीफा विश्व कप को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जिसको लेकर स्टेडियम में 90% तक काम पूरा हो चुका है।